हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, तो शायद सबको ही पता है कि लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ही वो बालिग हो जाती है, लेकिन अब इसका उम्र बढ़ा के आगे बढ़ा दिया गया है। कितने साल बढ़ाया है यही सब बात करूंगा वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो लेके आऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर विदेशों में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने घर तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जानकारी प्रॉपर आपको मैं देने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर सकती है। इकोनॉमी टाइम में छपी अखबार के मुताबिक सरकार इस पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते अपने बजट भाषण में कहा था कि महिला के मां बनने की सही उम्र के बारे में सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सरकार की इस वकायत के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। मौजूदा समय में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने अखबार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2017 में आया एक फैसला सरकार की इस वकायद की वजह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम उम्र के बारे में फैसला लेने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अगर मां बनने की कानूनी उम्र 21 साल तय कर दी जाती है तो महिला के बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सालों की संख्या अपने आप घट जाएगी। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले और 7% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। भारत के कुछ राज्यों और समुदायों में बाल विवाह होना अब भी आम है। बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में कड़े कानून हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। भारत की न्यूनतम उम्र को लेकर भारत में लंबी बहस चलती आई है। अंग्रेजों के समय में शादी को लेकर पहली बार भारत में कानून बने थे। इस कानूनों में समय समय बदलाव करके इसे 21 और 18 साल की उम्र तय किया गया था। 1955 में नया हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया। यह कानून हिंदुओं के साथ जैन, बुद्ध और सिखों पर भी लागू हुआ करता था। 2012 में सिखों के लिए अपना अलग आनंद मैरिज लागू किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़की की न्यूनतम आयु 15 साल होना जरूरी था। पारसी मैरिज एक्ट के मुताबिक लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 15 साल होनी चाहिए। 1978 में बाल विवाह कानून में संशोधन किया गया। इसमें लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई। यह कानून सभी धर्मों पर लागू होता है। साल 2018 में ला कमीशन ने भी तर्क किया था कि शादी की उम्र में अंतर रखना पति के उम्र में बड़े और पत्नी के छोटे होने की रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जानकारी अच्छी बताया, तो प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और दूसरों को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ में। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।